इडली अप्पम सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। हेलो दोस्तों, मैं माला चटर्जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मॉर्निंग में मैं बना रही हूँ इडली अप्पम। तो देख लीजिए, इडली अप्पम के लिए मैंने क्या क्या लिया है। ये देखिए, एक कप में मेजरिंग कप का एक कप में मैंने चावल का आटा लिया है। इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मैं डेढ़ कप पानी दूंगी। ये एक कप और ये आधा कप पानी दिया मैंने। हाफ कप इसमें जाएगा नमक। गैस अभी ऑन नहीं किया मैंने। हाफ चम्मच नमक जा रहा है और गैस को मैंने ऑन करना है अभी। पानी जरा खोल जाए, उसके बाद मैं खा रही हूँ। ये खोल रहा है, अब मैं इसको अब इसको मैं दे दूंगी। अब इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ओके, फिर इसका मैं इडली अप्पम बनाऊंगी। ये दो तरह से बनता है। अब मैं इसको बंद करके कवर करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए। बस ये देखिए दोस्तों, मैंने ये देखिए मैंने एक डो बना लिया है। ये डो बना लिया है। ये अपने आप थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसको डो को बना लीजिए आप। ये अपने आप बन जाता है। अब इसको थोड़ा सा तेल के हाथों से, रिफाइंड ऑयल है या रिफाइंड ऑयल के हाथों से इस डो को, अब ये है मेरा, ये मशीन है, इसी से जो मैंने सेव बनाते हैं बेसन का सेव, इसी से मैं इसको बनाऊंगी इडली अप्पम। अब इसको इडली अप्पम को खाएंगे किससे, कोरमा से, टमाटर के कोरमा बनाऊंगी मैं। ये बाजार में आराम से मिल जाती है, सब जगह मिल जाती है। ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, इसमें तेल लगा के मैंने पहले ही से
ये हो गया इडली अप्पम। इसको मैंने अभी गैस में चढ़ाना है, ये सब बना करके फिर मैं आ रही हूँ। सब बना लूँ पहले। ये देखिए दोस्तों, मेरा सारा इडली अप्पम तैयार है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टीम के लिए, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक पानी उबल रहा है, अब मैं इसे रख दूँगी, मैं सेट कर दूँगी। बस ये 2 मिनट के लिए, इसको ज़रा सा देखिएगा टच ना हो, थोड़ा सा तो टच होगा ही। और इसे कवर कर देंगे करके, मैं थोड़ा गैस स्लो कर दूंगी। अब ये 2 मिनट के लिए, इसके बाद मैं आ गई। ये देखिए दोस्तों, मेरा कोरमा कह रहे हैं इडली अप्पम मेरा हो गया है। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, अब आपको नीचे उठा के दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए, दूर से देखिएगा, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा बना है। अब मैं इसको खाने के लिए मैं टमाटर कोरमा बनाऊंगी। ये टमाटर कोरमा, ये देखिए दोस्तों मेरा बिल्कुल तैयार है। अब ये तो तेल लगा था ना, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर निकल जाएगा। अब मैं टमाटर कोरमा के लिए तैयारी कर रही हूँ। टमाटर कोरमा बनाने के लिए देखिए दोस्तों, टमाटर कोरमा बनाने के लिए 2 चम्मच मैंने, मेरे पास वो पानी वाला नारियल है नहीं, तो इसलिए इसमें अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सूखा वाला नारियल ही लिया है। ये मैंने 2 चम्मच लिया है, 2 टेबल स्पून लिया है। और ये ले रही हूँ 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, इसमें सौंफ का फ्लेवर बहुत अच्छा जाता है। और ये 1 मिर्ची ली है, ज़्यादा तीखा नहीं करूँगी। ओके, तो अब मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी, पहले ग्राइंड करके फिर मैं आ रही हूँ। ये देखिए मैं कोरमा बना रही हूँ, इसमें मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर लिए हैं, 1 प्याज लिया है और 1/2 लहसुन की कली ली है। ओके, अब मैं इसमें दूंगी ये रिफाइंड ऑयल, दो चम्मच रिफाइंड ऑयल देना है मुझे। दो चम्मच रिफाइंड ऑयल दिया मैंने। अब मैं इसमें दूंगी सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, सौंफ है ये। एक तेज पत्ता, 1 लाल मिर्च, सबूत लाल मिर्च, और 3 ये छोटी इलायची, हरी इलायची, ये मैंने फोड़ फोड़ के दे रही हूँ, इस तरह से फोड़ करके दे रही हूँ। अब मैं दूंगी इसको, ये लहसुन को मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं, ये देखिए लंबे लंबे काट लिए, ये लहसुन को थोड़ा लाल होने तक मैं इसको दूंगी, इसको भूनना है। ये थोड़ा लाल हो जाए, ये
ये देखिए थोड़ा लाल हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, एक प्याज लिया है मैंने बड़ा साइज का प्याज। इसमें हाफ चम्मच मैं नमक डाल दूंगी, जल्दी से गल जाएगा। नरम हो जाएगा जल्दी से, तब इसे मैं कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए, इसको कवर कर दूंगी। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी, और मैं हल्दी डालूंगी। मिर्ची, तीखा वाला मिर्ची है ये, धनिया, एक टीस्पून, टीस्पून है ये बस। अब इसको अच्छी तरह से पकना है। कवर कवर करके मैं पका लूँगी। अब ये देखिए नारियल और मैंने सौंफ जो पीस के रखा था उसको दूँगी थोड़ी देर बाद। ये देखिए अब मैं मैशर से इसको मैश कर लूँगी थोड़ी देर। अब मैं इसमें पानी, 2 कप पानी जाएगा इसमें, तो मैंने इसको इसी में नारियल के पानी को ही मैं डाल रही हूँ। पूरा चारों तरफ से फैल गया था ये, 1 कप दे दिया मैंने। ये भी डाल लूंगी सब। तो कब जाएगा, दो कप पानी, देखिए 1.5 कप ही हुआ। इसी के संग इडली अप्पम को खाएंगे। ओके, ये अभी खोलेगा, पकेगा, इसके बाद में फिर से आ जाऊंगी। इसी में आके आपको टेस्ट करके नमक कम ज़्यादा करना है तो आप कर लीजिएगा।
दोस्तों मैं इसको कड़ी पत्ता देना भूल गई थी, अब मैं कड़ी पत्ता इसको इसमें डाल दे रही हूँ। देखिए देखिए दोस्तों मेरा हो गया है, सब मिक्स हो गया है। इस तरह से टमाटर कोरमा बना है। अब मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता इसमें डाल दूंगी। अब मैं सर्व कर रही हूँ। इस बर्तन में मैं सर्व कर रही हूँ। देखिए गैस बंद कर दे रही हूँ। ये देखिए ये इडली अप्पम इसी के अंदर डाल दूंगी। ऊपर से ग्रेवी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो एक सब्सक्राइब कर देना। ओके।